अक्सर आपने चलते फिरते या कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से ये लाइन जरूर सुनी होगी कि अगर पढ़ने का नहीं लेकिन पढ़ाने का शौक है तो भाई बीएड तो कर ही लो, बहुत ही बेस्ट है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। किसी का सपना होता है कि आगे जाकर के हम सक्सेसफुल तो बने ही और साथ ही वो काम करें जो हमें अच्छा लगता है, तो वाकई में अगर आपको पढ़ाने में बड़ा मजा आता है और अच्छा लगता है तो बीएड के बारे में आई थिंक आपको जान लेना चाहिए। ये कोर्स क्या है, इसकी पूरी जानकारी, व्हाट इज बीएड, बीएड कोर्स कैसे किया जाता है, कितने साल का होता है और इसके लिए योग्यता क्या है। तो बीएड कोर्स की बात की जाए तो वाकई में एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसको करने के बाद आप एक टीचर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये बीएड कोर्स क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि ये कोर्स कितने साल का होता है और इसे कैसे किया जाता है। तो बीएड जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन और ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को टीचर बनने के लिए तैयार किया जाता है जिससे कि आप स्कूल में विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकते हैं। तो अगर वाकई में आप एक टीचर बनना चाहते हैं और आपको पढ़ने के साथ पढ़ाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और आगे जाकर के टीचिंग लाइन में ही आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स पूरे 2 साल का होता है। इस कोर्स को आप तभी कर सकते हैं जब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो। तो आइए जान लेते हैं बीएड कोर्स के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। ग्रेजुएशन पूरी करें किसी भी सब्जेक्ट से, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए, कुछ कॉलेजेस में ये परसेंटेज 55% भी हो सकती है और ये सब कॉलेज पर निर्भर करता है। और इस कोर्स को यानी कि बीएड कोर्स को करने के फायदे की बात की जाए तो बीएड कोर्स टीचर बनने के लिए बेस्ट कोर्स है। बीएड कोर्स करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आप दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। बीएड कोर्स के बाद टीचिंग लाइन में करियर भी आप बना सकते हैं। और अब अगर बात की जाए बीएड कोर्स की पूरी जानकारी की तो सबसे पहले 12th पास करें बीएड कोर्स के लिए। जी हाँ, एक स्कूल टीचर बनना हो या फिर एक कॉलेज में प्रोफेसर बनना हो इसके लिए सबसे पहले आपको 12th पास करना होगा। अब सवाल आता है कि 12th किस सब्जेक्ट में पास करें ताकि स्कूल टीचर बन सके, तो आप 10th पास करने के बाद वही सब्जेक्ट चूज करें जिस सब्जेक्ट को आप स्कूल में एक टीचर की तरह पढ़ाना चाहते हो। जैसे कि अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो तो स्कूल में इसके लिए आपको 11वीं में साइंस सब्जेक्ट चुनना होगा और इस हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चुने तो बीएड कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको 12th पास करनी होगी। दूसरा है ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करें। एक स्कूल टीचर बनने के लिए यानी कि बीएड कोर्स करने के लिए आपको 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में पूरी कीजिए जिस सब्जेक्ट को आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, इससे आपको काफी फायदा होगा। ध्यान रखिए कि बिना ग्रेजुएशन के आप एक स्कूल टीचर की आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते। तीसरा है बीएड कोर्स के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है इसके बाद अब आपको एक स्कूल टीचर बनने के लिए बीएड कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा, लेकिन उससे पहले आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। तो बीएड कोर्स को आप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज और डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि ओपन कॉलेज से भी इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि इग्नू। तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में इसकी फीस ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप इसे गवर्नमेंट या ओपन से करते हैं तो आपको इसमें फीस कम लगती है। तो इसी के साथ आपका टीचर बनने का सपना पूरा होगा बीएड के साथ। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो ये जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है इसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।